I'm sorry, Bini. Sorry for what, Arun? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूं तुमने मेरा इंतजार किया होगा। अरुण, इंतजार अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ओह कम ऑन बिनी, प्लीज आई एम सॉरी। चलो खाना खा लेते। खाना खा लो अरुण। अरुण बाद में सोचो, पहले खाना खा लो प्लीज। खा तो रहा हूं। कैसी लगी दाल अरुण? दाल अच्छी बनाई है तुमने। ये दाल नहीं, सूप है। सूप? वहां तुम्हें आज हो क्या गया है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? तुम जब से आए हो इतने खोए हुए हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि दाल के बदले सूप पी रहे हो। मिनी, प्लीज। अरुण, घर में आने के बाद तुमने मुझे अभी तक यह भी नहीं पूछा कि पार्टी कैसी रही, कौन आया था, कब आया था, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने सबको कैसे संभाला होगा, क्या क्या जवाब दिए होंगे मैंने। अरुण, मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है। सभी पूछ रहे थे कि कहाँ है अरुण, कब आएगा, कितने बजे आएगा, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। प्लीज तुम्हें मुझे एक फोन तो करना था। तो तुम कर लेती, मोबाइल था ना मेरे पास। तुम्हारा फोन लगता है क्या? पता नहीं। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि साल में सिर्फ आज के दिन हम एक थाली में से खाना खाते हैं। भूल गए ना? प्लीज लीव मी, मुझे आज अकेला छोड़ दो। आई थिंक द डिनर इज ओवर। अच्छा ये बताओ, अभी तक सोए कि नहीं? हाँ, कल स्कूल नहीं जाना है? जाना है मगर नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही आपको बताओ? पापा पार्टी में क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी बेटा, पापा को आज ऑफिस से बहुत काम था ना, इसलिए देर हो गई। आई एम सॉरी। तुम्हारा ये रोबो काम कर रहा है कि नहीं? पहली वीक है तो कोई बात नहीं, कल हम स्कूल जाते हुए रास्ते में आपको नई बैटरी दिला देंगे। ओके? प्रॉमिस। पापा आपके हाथ में क्या है? बेटा ये आपके काम की चीज नहीं है। लगता है मम्मी आ गई। जल्दी से सो जा। स्लीप स्लीप, गेट दिस हियर, गेट दिस हियर। कवर योरसेल्फ अप। मम्मी आएगी तो हम बोल देंगे कि राजा बेटा सो रहा है। बस
अरुण कल सुबह घर से कितने बजे निकला था? सुबह 9 बजे, जैसे वो रोज जाता था। और पूरा दिन वो कहाँ था? काम पर था वो। पूरा दिन? Of course वो काम पर था। तुम्हें पता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का लोड कितना होता है, इसलिए तो वो शाम को पार्टी में आ भी नहीं सका। ऐसे? वो रात को कितने बजे घर पहुंचा? Well, आप लोगों के जाने के बाद समझो 11:30 बजे। ऐसे 11:30 बजे। वो कहां से एग्जैक्टली आया था? मैंने कहा ना कि काम से आया था। तुम ये भी तो जानते हो कि जब सब लोग यहां बैठे थे तब मैंने उसका मोबाइल फोन भी ट्राई किया था। हाँ, लेकिन उसका मोबाइल तुम्हें नहीं लगा। उसका मोबाइल फोन नहीं लगा क्योंकि वहां मेनी टाइम सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, और शायद ये भी तो हो सकता है कि उसकी बैटरी डाउन हो गई हो। नहीं भी नहीं, ना ही कोई सिग्नल का प्रॉब्लम था ना ही उसके मोबाइल की बैटरी डाउन थी। बात दरअसल यह है कि उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था ताकि हमें पता ना चले कि वो कहां है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? एक बात कहूं, अरुण मुझसे कुछ नहीं छिपाता था, हर बात मुझे वो कहता था हमेशा। You mean he never hides anything from you? Never. तुमसे कोई बात नहीं छिपाता? हमेशा उसने मुझे सब कुछ कहा। तो फिर शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने सिक लीव क्यों ली थी। अरुण ने सिक लीव ली थी? ये कैसे हो सकता है? उसकी तबीयत तो... उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तो फिर उसने सिक लीव क्यों ली? क्या वजह हो सकती है? I don't know. This is strange. विनी, क्या लीव लेकर अरुण किसी को मिलने गया था? लेकिन किससे मिलने जाता? कोई दोस्त? और मैं भी कोई दुश्मन? Tell me one thing, विनी, अरुण का बिहेवियर पैटर्न कोई बदला हुआ था? I mean, क्या वो अपसेट रहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुण अपसेट क्यों रहेगा? मैं भी शायद किसी की दुश्मनी। दुश्मनी? या अरुण की? पर्सनल या प्रोफेशनल? अरुण की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना कोई अरुण का दुश्मन था। तुम भूल कर रही हो विनी, ये दुनिया है, यहाँ हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। क्राइस्ट के भी दुश्मन थे, राम के भी दुश्मन थे, तो अरुण का दुश्मन क्यों नहीं हो सकता? और अगर अरुण के दुश्मन नहीं थे तो फिर इसका खून किसने किया? क्यों किया? मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर जानने की कोशिश करो विनी, यू हैव टू ट्राई टू डू दैट। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, अरुण वर्मा की पत्नी की हैसियत से ये जानना तुम्हारा फर्ज है। इट्स योर ड्यूटी टू नो दैट। सुनो विनी, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। आंखों से आंसू तो बहेंगे लेकिन दिल की तकलीफ दिल में ही रहेंगी। यही फर्क है खुशी और गम में। खुशी बांटने से कम नहीं होती लेकिन गम बांटने से कम हो जाता है। सुनो, अगर तुम अपनी तकलीफें बांटोगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद कोई सुराग मिल जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सुनो, मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई। मैं 2 दिन पहले अरुण से मिलने यहाँ आया था। तुम मेरे घर आए थे? हाँ भाई। लेकिन क्यों? मदद मांगने अरुण से। कैसी मदद? हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में। मैंने उसे अनऑफिशियली शांति करने के लिए कहा था, इसलिए सिक लीव रखी और जॉब पर नहीं गया। करेक्ट। वो रिसर्च कहाँ कर रहा था? ये तो मुझे नहीं मालूम बिनी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ जरूर कोई और था। कौन था ये मुझे नहीं मालूम। Then how can you be so sure कि कोई इसके साथ नहीं था? इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? बिकॉज जब मैं अरुण से बात कर रहा था फोन पर,
तो बैकग्राउंड में मैंने किसी की आवाज सुनी, उसने फौरन फोन बंद कर दिया। अब सवाल यह उठता अश्विनी कि जो आवाज मैंने सुनी वो आवाज किसकी थी। दूसरी बात, अरुण का जब रिसर्च मुकम्मल हुआ तो उसे ऐसी कौन सी चीज मिली जिसकी वजह से अरुण का कत्ल हुआ। वन थिंग आई एम श्योर ऑफ, रिसर्च के रिजल्ट और अरुण की मौत में घनिष्ठ संबंध है। इंटरलिंक सर, आई एम श्योर ऑफ दैट। तुमने अरुण को फोन किया था, उसका टेलीफोन नंबर क्या था? 8834561। इस नंबर पर हम फोन करके पता कर सकते हैं कि अरुण कहां रिसर्च कर रहा था। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप एयरफोर्स के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आप कौन? आकाश गुप्ता फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ऑन बिहाफ ऑफ द एयरफोर्स मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस केस में आप किसी भी तरह की छानबीन नहीं करेंगे। इस केस को हम टेक ओवर करते हैं। टेक ओवर करते हैं? अगर क्यों? क्योंकि यह केस एयरफोर्स के कानूनी दायरे में है। यहां एक हत्या हुई है एंड दिस इज अ केस ऑफ होमिसाइड, और जो होमिसाइड के केसेस होते हैं वो पुलिस के दायरे में होते हैं। आप हमें रोक नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरुण वर्मा एयरफोर्स का अफसर था, हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के टूटे हैं, और पब्लिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस केस की छानबीन एयरफोर्स ही करेगा। मिस वर्मा, आपको स्टेटमेंट देने के लिए हेडक्वार्टर्स आना पड़ेगा। What the hell is going on? I don't understand this, sir. Please. चलो राजा बेटा, मम्मी सूप लाई है तुम्हारे लिए। सूप पियोगे ना बेटा? पहले हम सूप पिएंगे। अरुण वर्मा की हत्या के सिलसिले में आज लोकसभा में बड़ा हंगामा हुआ। कई सदस्यों ने संरक्षण मंत्री के इस्तीफे की मांग की। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में इंडियन एयरफोर्स छानबीन कर रही है। अरुण वर्मा की हत्या का कारण अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाया है। कहा जाता है उनकी हत्या के पीछे कोई गहरा राज है। अरुण वर्मा, पापा, हाँ बेटे, पापा, पापा को बस अब तस्वीरों में ही देखना है बेटा। चलो खाना खा लेते हैं। देखो मम्मी सूप लाई है। अच्छा सूप बना, ऐसा नहीं करते राजा। सूप पी ले बेटा, आपके पेट में नींद भी नहीं आती राजा। सूप जाके बेटा, ऐसा मत कर राजा। बिना खाए कैसे चलेगा? पापा खिलाते थे, अभी मम्मी खिलाएगी। नहीं करते राजा, ऐसा कैसे चलेगा? क्या लिखा है तुमने? मेरे पास इसके कोई जवाब नहीं है बेटा। तुम पहले खाना खा लो, सूप नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा बेटा? बिना खाए पिए खाते हो? जाके प्लीज ड्रिंक योर सूप, आई सेड ड्रिंक इट राजा, ड्रिंक इट।
आगे, प्लीज कम बैक, कम बैक आई सेड। मैडम 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 प्लीज। मैं क्या करूं एंडी, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। देखो क्या लिखा है उसने, पापा को क्यों मारा। मेरे पापा अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे, क्या जवाब तुम्हें बच्चे को। टूट चुकी हो, हेलो, मैं आकाश गुप्ता बात कर रहा हूं, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकता हूं? एक मिनट। हाँ हेलो, मिसेस वर्मा, मैं आकाश गुप्ता बात कर रहा हूं। ठीक कही है, कल सुबह 11 बजे हम लोग आ रहे हैं, वहीं पे सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। और कुछ कागजात है उस पर आपकी साइन की जरूरत है। और हाँ, अंतिम क्रिया के लिए आप अपने बेटे को तैयार रखिएगा। हेलो, हाँ मीना बोलो। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है अरुण को आज घर ले आ रहे। पर 11 बज गए। नहीं हेलो सुनो, तुम एक काम करो, तुम बीनी के घर पहुंचो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। या बाय। मैंने पहले कहा था कि एसआरपी को बुला लो, यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक है, स्टूडेंट पावर को कम मत समझो, ये पढ़ा नहीं क्या लिखा है? क्या बात है जय, तुम इतने टेंस क्यों? सर बात टेंशन वाली है, आप भी पढ़ लीजिए क्या लिखा है। सर अगर यूनिवर्सिटी ने हमें सुनने से इनकार कर दिया तो मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से मांग पूरी ना होने पर अग्नि स्नान करूंगा। हम आज शाम 5 बजे तक इंतजार करेंगे। लिखितन श्याम मोहन बत्रा। इस लड़के को मैं जानता हूं शनि सर, एक्सेंट्रिक सर फिरा लड़का है वो। अगर जो उसने लिखा अगर ऐसा कर दिया तो थिंग्स विल श्योरली गेट आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जगत, वैसे भी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। There's a reason, you know? क्योंकि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच में कोई आर्बिट्रेटर है नहीं, इसलिए पुलिस को आगे रखा जाता है। आई फील द एसआरपी शुड रीच देयर इमीडिएटली। वैसे भी 5 बजे में देरी है, हम लोग वापस पहुंच सकते हैं। इन द मीनटाइम चौधरी यू गो अहेड। यस सर। एंड चौधरी संभाल के, स्टूडेंट्स का मामला है, हैंडल देम केयरफुली, ओके? सर। चलो जय, मेरे ख्याल से अब अरुण को वो लोग ले आए होंगे। एज इट इज वी आर लेट, लेट्स गो। नहीं सर, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा क्या करते हो जो, बिनी वहां अकेली है, उसे हमारी जरूरत है। हकीकत तो ये है अश्विनी सर कि अगर आज बिनी अकेली हुई है तो मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने अरुण को हेलीकॉप्टर क्रैश की छानबीन करने के लिए नहीं कहा होता तो आज ये नौबत नहीं आती, जिंदा रहता वो। क्या मालूम बिनी की खुशियों को शायद मेरी ही नजर लग गई। जय, फिर भी मैं कहता हूं लेट्स गो। नहीं सर, आई विल नॉट बी एबल टू गो इस वक्त, आई कांट फेस, आई रियली कांट, आई एम सो सॉरी सर। आई बाद में मिलूंगा मैं उसे फिर कभी, नाउ आई कांट लुक एट हर फेस।